हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक। ये जनकपुर ट्रिप का पार्ट टू है, और पहले पार्ट में हमने दिखाया था कि हम कैसे मंदिर तक पहुँचे हैं, हमने कौन कौन सी ट्रेन ली, बिहार से नेपाल आए हैं। जनकपुर मंदिर जो है ये नेपाल में है। तो अभी बाहर हमने जूता चप्पल उतार दिया है और हाथ पांव धो लिया है, अब तैयार हो गए मंदिर के अंदर जाने के लिए, वहाँ पर हम दर्शन करेंगे। उससे पहले एनी का अपना एक नया पोज देना स्टार्ट हो गया है आजकल। एनी ने ये कुछ नया सीखा है, जहाँ पर ये कुछ भी अजीबो गरीब पोज बनाती है और कुछ भी करती है, और बोलती है मेरा फ़ोटो खींचो और मेरा वीडियो बनाओ। ओके, चलो अब मंदिर के अंदर चलते हैं दर्शन के लिए। बहुत ही प्यारा मंदिर है, और माता सीता का मूर्ति का फ़ोटो खींचना मना था, पर दूर से जो मैंने फ़ोटो लिया, आप देखोगे तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। ये मंदिर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और थोड़ी बहुत भीड़ थी मंदिर में। ये फ़ोटो है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो बोलो जय श्री राम। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम बाहर आ चुके हैं। अब हम मंदिर में एक म्यूज़ियम है, वहाँ पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमने 4 टिकट ले लिए, 15 रुपये का इंडियन करेंसी के हिसाब से एक टिकट था, तो हमने 4 लिए टोटल। और ये सीढ़ियाँ हैं, ऊपर की तरफ मंदिर है और नीचे बेसमेंट में भी मंदिर है। वहाँ पे तो आपको सीता जी के ड्रेसेस और वहाँ पे सीता जी के जो ज्वेलरी है, कान के हैं, गर्दन के, गले की, तो वो सब हैं रखे हुए। और ऊपर में उनका पूरा लाइफ का बताया गया, कैसे जन्म हुआ, फिर कैसे शादी हुई, उन सब के बारे में बताया गया। हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा यहाँ पे। ये छत से मंदिर का व्यू है, बहुत ही प्यारा लगता है अगर आप छत से जाके पूरा व्यू देखेंगे तो। पूरा अच्छी तरह से मैं कैप्चर नहीं कर पाया, पर आंखों से जब देखोगे ना, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। सबसे पहले जब अंदर घुसोगे म्यूज़ियम को, तो सबसे पहले आपको तुलसीदास जी का मूर्ति दिखाई देगा, और ये मधुबनी पेंटिंग है जहाँ पे एनी पोज दे रही है। बहुत ही फेमस है ये, पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, और बहुत दूर दूर से लोग इस पेंटिंग को मंगाते हैं, और इसको बनाने में बहुत मुश्किल है बहुत ही, पर ये मधुबनी साइड और मिथिला क्षेत्र में बहुत ही फेमस है, जहाँ पे बनाया जाता है। वहीं पे एक छोटा सा शॉप था जहाँ पे मूर्ति, फ़ोटो और ज्वेलरी आइटम मिल रहे थे। थोड़ी देर पहले मैं इसी जगह की बात कर रहा था जहाँ पे सब कुछ डिटेल में बताया गया है कि कैसे माँ सीता प्रकट हुई, फिर कैसे वो बड़ी हुई, फिर श्री राम जी मिथिला पधारे और वहाँ पे उन्होंने धनुष तोड़ा, और कैसे राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। तो ये सबसे पहला सीन जो है, यहाँ पे राजा जनक खेत में आए थे हल जोतने के लिए। आप देखेंगे साइड में गधा है, वह माँ सीता बालावस्था में राजा जनक के गोद में है। तो और दूसरा सीन जो है, ये बधाई गान का सीन है। अब यहाँ पे जो आप देखेंगे ना, तो माँ सीता माता सुनैना के हाथ में है और के गोदी में है, और लोग यहाँ पे ढोल ढोल बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, झूम रहे हैं। तो ये वो सीन है जहाँ पे लोग पूरा जनकपुर, पूरा मिथिलावासी खुशी मना रहे हैं। ये तीसरा सीन है, राजा जनक जी अपनी सभा में बैठे हुए हैं और उनकी गोद में माँ सीता बैठी हुई है। बहुत ही प्यारा सीन है ये, और इसमें आपको गौर से देखेंगे ना, तो हर एक मूर्ति में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट, उनके हाथ पांव हिल रहे हैं। ये देखिए, आप गौर से देखिए, ये भी एक, ये तीसरा सीन था वहाँ पे जहाँ पे माँ सीता राजा जनक जी के साथ है। ये जो चौथा सीन है, ये इस सीन में आप देखेंगे कि माता सुनैना ना, जैसे हर हर माँ अपने बच्चे को सुलाती है, वैसी माता सुनैना माँ सीता को सुलाने की कोशिश कर रही है। और उनके बाकी यहाँ पे आप देखेंगे एक सखी है जो पंखा हिला रही है। ये सबसे आइकॉनिक सीन है। चौथा सीन जो है, यहाँ पे देखेंगे ना, राम श्री राम जी हैं, लक्ष्मण जी के साथ हैं, अपने गुरु के साथ हैं और धनुष तोड़ रहे हैं। ये देखिए, ये माँ सीता है जो उनके साथ में ही खड़ी है, देख रही है धनुष तोड़ते हुए। जब उन्होंने धनुष तोड़ दिया, तो ये चौथा सीन है जहाँ पे राम और सीता का विवाह हो रहा है। ये देखिए ऊपर, आप इस फोटो उसको देखेंगे ना, तो ये 7 फेरे ले रहे हैं साथ में, और ऊपर में ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं जो आशीर्वाद दे रहे हैं, लक्ष्मण जी हैं साथ में खड़े, और गुरु जी हैं उनके खड़े। यहीं पे इस मंदिर में राम विवाह मंडप भी बनाया गया, जो बहुत बड़ा है और बहुत ही फेमस है। वो भी वहाँ पे एक्चुअल में सारी बाराती और राम जी की मूर्ति, सीता जी की मूर्ति है, बारातियों की मूर्ति है। ये एनी यहाँ पे मस्ती कर रही है और मम्मी से डांट खाएगी। आजकल एनी ने एक नया स्कूल में डांस सीखा है, 15 अगस्त के लिए इसको डांस सिखाया था। तो आजकल हर जगह हर गाने पे एक ही स्टेप कर रही है, वही कर रही है, और ये मन में इमेजिन कर लेती है। यहाँ पे मन में इमेजिन कर रही है, ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों क्या कहना। ओ, 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 ओ अब ये मेरा जूता है जो पानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी। ये इस गाने पे कहीं पे भी स्टार्ट हो जाती है, अपने मन में इमेजिन करके करने लगते, गाना नहीं भी बजे तो अपने मन में इमेजिन करती है वो गाना। और ये यहाँ पे आनी ना गुम हो गई थी, दूसरी आंटी का हाथ पकड़ के आगे निकल गई थी, बिछड़ गई थी हमसे थोड़ी देर के लिए। और ये यहाँ पे अपना नैना अपने चैनल के लिए कुछ एक रील्स बना रही है। एनी का अपना अलग ही जोन में, अलग ही कर रही है। और ये अभी अभी अपना सर फोड़ेगी इसके अंदर।
अब नेक्स्ट प्लान है हमारा म्यूज़ियम में बेसमेंट में जाने का, जहाँ पे सीता जी के ड्रेसेस रखे गए हैं, ज्वेलरी रखे गए हैं, बहुत कुछ रखा गया है वहाँ पे। अब हम वहाँ पे जाएंगे और उससे पहले थोड़ा एनी का पोज चल रहा है, ठीक है। ये देखो घूम, ये हम नीचे जा रहे हैं, ये बेसमेंट में म्यूज़ियम में नीचे है ये, ठीक है। और ये सबसे पहला जो सीन है यहाँ पे, ये माँ सीता माँ की ज्वेलरीज थी, यहाँ पे वीडियो बनाना मना था इसलिए मैंने नहीं बनाया। ये सीन वो सीन है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये है राम और सिया का विवाह मंडप यहाँ पे, और राम कहते हैं यहीं पे, एक्चुअली यही प्लेस है जहाँ पे राम सीता जी का विवाह हुआ था, यहीं पे उन्होंने अग्नि को साक्षी मान के शादी की थी। ये वही मूर्ति है जिसकी मैं बात कर रहा था, राम और सीता जी की मूर्ति है। वहाँ पे अंदर का भी फोटो लेना मना था, जहाँ पे आप देखते तो उनके गुरुजी बैठे हुए थे, सारे बरातीगण बैठे हुए थे और इनका विवाह हो रहा था। तो कहते हैं अभी भी अयोध्या से बराती आती है चल के मिथिला, और हर साल राम और सीता का विवाह किया जाता है वहाँ पे। ये रहा बाहर से मंदिर का व्यू था। अब हम बिल्कुल बुरी तरह से थक चुके थे, अब हमें भूख लगी थी तो हम खाना खाने आ गए। ये ऐनी काला देखो, कम से कम 5-6 घंटे मंदिर के अंदर घूमे हैं, दर्शन किया है हमने, सब कुछ करने के बाद अब हम खाना खाने आ गए। अब यहाँ पे हमने थोड़ा लंच किया और लंच करने के बाद हम नीचे गए तो एनी को वहाँ पे उसकी फ्रेंड मिल गई। चलो बेटा चलो, खैर मछलियों ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद हम निकल गए शॉपिंग के लिए, इन्होंने थोड़ा बहुत माला लिया, बिंदी लिए और बहुत सारे आइटम लिए। उसके बाद ये हम वापस जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 6-7 घंटे के बाद हम बाहर निकले हैं। ये सब सो रहे हैं, पूरी तरह से थक गए हैं, अभी हम रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। ये सो रहे हैं, ये इसने की नैना ने देख लिया कि मैं वीडियो बना रहा तो उसको जगा रही है, फिर भी उसको कोई होश नहीं है, फिर दोबारा सो जाती है। एनी भी सो रही है, अब हमने ट्रेन पकड़ लिया है, एनी अब वापस से जाग गई है मस्ती करने के लिए। ट्रेन ऑलमोस्ट पूरा खाली है, ज़्यादा भीड़ कुछ नहीं था, हम ही लोग बैठे हुए थे। हम लोग सुबह 6 बजे निकले थे और अभी ऑलमोस्ट 4:30-5 बज चुके हैं और घर पहुँचते पहुँचते वापस से 6 या 7 बज जाएंगे। तो ऑलमोस्ट ये पूरा दिन का ट्रिप रहा, 12 घंटे का ट्रिप रहा, सुबह निकले शाम को घर पहुँचे हैं। काफ़ी टायरिंग था पर बड़ा मज़ा आया, आई होप आप लोग ने भी इन्जॉय किया होगा।